सब्सक्राइब करें ये स्त्री क्रिएटिव सी यूट्यूब चैनल को। देखिए आज ओल्ड सेट बाहर लाइन में एक जो है WAG 9 लोको आया है 32146 जो बरौनी का लोको है। इसके देखिए इस पर लिखा हुआ है IRAB फिटेड। IRAB का तो मतलब पता नहीं चल रहा है ये क्या है, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ परिवर्तन किया गया है, जो ब्रेक सिस्टम में परिवर्तन है, तो अंदर चल कर के हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। देखिए इसके कैब के अंदर जो है परिवर्तन किया गया है कि इसका A9 SA9 जो हैंडल है वो कन्वेंशनल लोको की तरह ही है। देख लीजिए इसमें दिखाया गया है, और इसके 4 आइसोलेटिंग कॉक भी है, जो जिस तरह से कन्वेंशनल लोको में कैब बदलते समय जो चारों कॉक को हम लोग आइसोलेट करते हैं, उसी तरह से इसमें भी जो है कैब चेंज करते समय हमें चारों कॉक को बंद करना होगा। देखिए यहाँ पर शेड के तरफ से लिखा भी है कि ग्रे रंग के चारों कॉक A9 SA9 के इनकमिंग आउटगोइंग कॉक है जिसे बंद करना है। देखिए जो इसमें ग्रे कलर का जो कॉक है वो 4 कॉक है, एक तो ये है और ये तीन ठो इधर है, इसे जो है कैब बदलते समय अवश्य ही बंद करना होगा। इसके अलावे इसके न्यूमेटिक पैनल में परिवर्तन किया गया है। इसमें कुल जो है 3 न्यूमेटिक पैनल है। 2 न्यूमेटिक पैनल जो है कैब 1 के पीछे दीवार पर लगे हैं जिन्हें हम लोग दिखाएंगे, और इसके अलावे देखिए ये जो इसका मेन न्यूमेटिक पैनल है वह इस प्रकार है। इसका मेन न्यूमेटिक पैनल जो है आपका नॉर्मल WAG 9 और ABB लोको की अपेक्षा काफ़ी ही छोटा है। इसमें काफ़ी ही छोटा है। छोटा होने के कारण यह है कि बहुत सारे इसमें से कॉक को जो है यहाँ से हटा करके जो है कैब 1 के पीछे दीवार पर लगा दिया गया है। तो इसमें देखिए इसमें ये जो मेन न्यूमेटिक पैनल है इस पर आपका जो है MU2B भी दिया हुआ है, MU2B वाल्व भी दिया है, जिसे हम लोग जो है WAG 7 की तरह इसका प्रयोग करेंगे, अर्थात डेड मोड बनाना होगा तो इसे हम लीड और ट्रेल जैसा आवश्यकता होगा उसके अनुरूप करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कॉक नंबर 74 दिया हुआ है, कॉक नंबर 74 यहाँ दिया हुआ है, और ये कॉक नंबर 70 दिया हुआ है जिसे BP चार्जिंग कॉक या A8 कॉक बोलते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें IP कॉक भी दिया हुआ है, IP कॉक दिया है छोटा सा, और ये फीड पाइप का कॉक है FP कॉक। इसके बाद यहाँ देखिए ये कॉक नंबर 47 है जो डेड इंजन कॉक है, जिसका प्रयोग हम लोग डेड मोड बनाने के लिए करेंगे, और ये पेंटो सेलेक्टर स्विच है जो नॉर्मल WAG 9 की तरह ही है, जिसका ये 3 पोजीशन ऑटो 1 और 2 है। इसके अलावा देखिए कैब वन के पीछे जो दीवाल है, इस दीवाल पर देखिए एक दिया है ऑक्जेलरी पैनल 1, अर्थात ये जो न्यूमेटिक पैनल वहाँ देख रहे हैं उसी का हिस्सा यहाँ पर है, जिसमें यहाँ पर भी बहुत सारे कॉक लगाया गया है। जैसे ये देखिए ये आपका ये सेंडर है, सेंडर का इलेक्ट्रोमैग्नेट वाल्व है जिसका आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा ये देखिए पेंटो का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट वाल्व है जिसका आइसोलेटिंग कॉक ये दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ देखिए सेंडर नंबर 2 का भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाल्व है जिसका आइसोलेटिंग कॉक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर VCB का आइसोलेटिंग कॉक है, अर्थात जो DJ है उसका भी आइसोलेटिंग कॉक है। इसे बंद कर देंगे तो हमारा DJ जो है होल्ड नहीं होगा। इसके अलावा देखिए इसमें जो है IG30 की लगाने के लिए ये स्लॉट दिया है, जो अलग से हमें देखने से लग रहा है कि अलग से ये लगाया गया है। इसके अलावा देखिए यहीं पर जो है नीचे में आपका ये बेबी कंप्रेसर भी दिया हुआ है, ये बेबी कंप्रेसर यहीं पर नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए पेंटो रिजर्वायर यहीं पर दिया है, और इसका आइसोलेटिंग कॉक यहाँ लगा है आइसोलेटिंग कॉक।
इसके अलावा देखिए यहीं पर इसी के बगल में ऑक्सिलरी न्यूमेटिक पैनल नंबर 2 है, और इसमें भी जो है वही है, सेंडर का जो है मैग्नेट वाल्व है, इसका आइसोलेटिंग कॉक है, और ये आपका पेंटो का जो है मैग्नेट वाल्व है और इसका आइसोलेटिंग कॉक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और जो है गेज दिया हुआ है, ये गेज जिसे ये पेंटो रिजर्वायर गेज है, मतलब वो पेंटो रिजर्वायर में कितना प्रेशर है उसको दर्शाता है, और इसका आइसोलेटिंग कॉक ये आपका दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है डुप्लेक्स चेक वाल्व है जिसका आइसोलेटिंग कॉक यहाँ दिया हुआ है। इसमें एक परिवर्तन किया गया है कि जो पार्किंग ब्रेक के लिए जो होता है, पार्किंग ब्रेक के लिए जो BPPB जो होता है पुश बटन, उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है BPSW, अर्थात इसे क्विक रिलीजिंग के लिए प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इस लोको में मॉडिफिकेशन किया गया है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और इसी तरह से और भी कोई मॉडिफाइड मिलेगा तो हम आपको और भी दिखाएंगे। नमस्कार।